मैं वो कुसुम, मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। सलवार की मोरी बनाने के लिए इस तरह का पेस्टिंग बुकरम मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाता है। तो जितने आपको मोहरी की चौड़ाई रखना है उसी हिसाब से आप ले सकते हो। अब यहाँ पर हमने कपड़े पर प्रेस से चिपका लिया है और 2 इंच की चौड़ी पट्टी लेकर हमने सिलाई कर लिया है। सिलने के बाद पलट लिया और ये जो सिलाई है बीच में आनी चाहिए, इससे डिजाइन बनाएंगे। इसे फोल्ड करके इसके सेंटर में एक निशान लगा लेंगे। 5.5 या 6 इंच जितना आप मोहरी की चौड़ाई रखना चाहते हो निशान लगा लेंगे। जितना मोहरी की चौड़ाई है उसके 1/2 इंच अंदर की तरफ इस पट्टी को बराबर से रख के सिल लेना है। यहाँ पर हमने सूट के बचे हुए कपड़े पर बुकरम को पेस्ट कर लिया है और जो पट्टियाँ हमने बनाया है सलवार के कपड़े से बनाया है। पट्टियों को पलटने के बाद प्रेस कर लेने से डिजाइन अच्छी बनती है। हमने सूट के बाजू में भी डिजाइन बना लिया है 2 कलर से, तो इसलिए हमारे पास कपड़े कम बचे हुए थे और पट्टियों को हमने थोड़ा सा दूर दूर लगाया है। अगर आप एकदम पास लगाएंगे तो इसकी डिजाइन और अच्छी निखर के आएगी। यहाँ पर हमने 1 इंच चौड़ी पट्टी लगा लिया है, इसे फोल्ड करके पाइपिंग बना लेंगे। पट्टी और सलवार की मोहरी में सेंटर में हमने निशान लगा लिया है। इन दोनों निशान को मिलाते हुए सिल लेंगे और इधर हम सलवार के उल्टी तरफ पट्टी को लगाएंगे। पलटने के बाद यह सीधी तरफ हो जाएगा। नीचे की तरफ इस तरह पाइपिंग भी निकल जाएगी जो कि देखने में बहुत खूबसूरत लगता है। नीचे की तरफ पाइपिंग बनाने के बाद ऊपर भी एक सिलाई लगा लेंगे। मोती लगाने के बाद मोहरी की सिलाई कर सकते हो और चाहो तो बाद में लगा सकते हो। जितना मोहरी की चौड़ाई रखना है उतने पर निशान लगा के आसन तक सिल लेंगे। इसी तरह से दोनों मोहरी को बना लेंगे, फिर उसके ऊपर से दूसरी सिलाई कर लेंगे। हमने सूट के कपड़े से बेल्ट भी लगाया है और मोहरी भी बना लिया है। अब एक घेरदार सलवार तैयार है। सलवार तैयार है, इसमें इस तरह से मोती लगा लेंगे।
वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। देखने के लिए थैंक्स।